आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शिक्षा माफियाओं की अचल संपत्ति की कुर्क की गई कार्रवाई। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद बोत्रे के निर्देशन में पुलिस कर्मियों द्वारा शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा और पत्नी के नाम की अचल संपत्ति कीमत 2,20,00,000 रुपए, चंद्रहास कुशवाहा की पत्नी प्रियंका मौर्या के नाम से अर्जित अवैध संपत्ति कीमत लगभग 90,00,000 की अचल संपत्ति कुर्क की गई। प्रदेश भर में माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी गाजीपुर ने पुलिस की आंखिया पर विचारोपरांत दिनांक 19 जुलाई 2022 को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध संख्या 1175/2016 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट में नामजद शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा पत्नी जीवती देवी निवासी रघुनाथपुर छावनी लाइन गाजीपुर के नाम अवैध रूप से अर्जित की गई अचल संपत्ति जिसकी राजस्व विभाग द्वारा तय की गई कुल मालकियत 1,32,13,000 रुपए जिसकी वर्तमान बाजारों कीमत 2,20,00,000 है की कुर्की के आदेश जारी किए तथा मुकदमा अपराध संख्या 54/2020 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम में नामजद अभियुक्त चंद्रहास कुशवाहा की पत्नी प्रियंका मौर्या निवासी खतरपुर थाना शाहबाद नाम से अवैध रूप से अर्जित भू संपत्ति जिसकी मालियत राजस्व विभाग द्वारा 56,70,000 रुपए तथा वर्तमान बाजारों कीमत 90,00,000 रुपए की कुर्की के आदेश जारी किए। उक्त आदेश के अनुपालन में शुक्रवार को गाजीपुर प्रशासन और पुलिस द्वारा दोनों अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई की गई जिसकी कुल कीमत 3,10,00,000 रुपए है। सलीम मंसूरी ब्यूरो चीफ गाजीपुर की रिपोर्ट। देखिए अपराध और अपराध नियंत्रण के दृष्टिगत रखते हुए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे थे और अभी बहुत सारे मुकदमे पंजीकृत किए जा रहे हैं। 14(1) धारा के अंतर्गत आज जो है कुछ शिक्षा माफियाओं की प्रॉपर्टी का यहाँ पे जब्तीकरण किया जा रहा है। इन चारों के नाम, चार लोग हैं इसमें, इनका नाम है चंद्रहास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम सिंह यादव। इनके कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी है जो भी इसमें पहले भी कुर्क न हुए थे। कुछ इनकी बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी आज 14(1) में न कुर्क हो रही है और इसी तरीके की कार्रवाई जो है अन्य लोगों के खिलाफ, अन्य माफियाओं के खिलाफ भी न कराई जा रही है। इन लोगों का जो है वो नकल न करवाना, गलत अवैध तरीके से चीटिंग करवाते हुए स्टूडेंट्स को न पास करवाना इत्यादि कई सारे इनके खिलाफ मुकदमे आपराधिक किस्म के इनके खिलाफ पंजीकृत है। इसी तरीके की कार्रवाई अन्य माफियाओं के खिलाफ भी कराई जा रही है। आज की कुर्की कार्रवाई कितने की गई सर? देखिए आज कुल मिला के लगभग 3,10,00,000 रुपए की कार्रवाई जो है आज पूरे दिन में कराई जाएगी। अन्य विविध अन्य जगह पे इन लोगों के प्रॉपर्टीज है, सभी प्रॉपर्टीज का 14(1) में आदेश जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी कराया गया था, उसको आज संपत्ति का जब्तीकरण कराया जा रहा है।